वहीं राजधानी भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मामलों पर अपनी राय रखी है, जहां कोरोना कर्फ्यू पर बोलते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जिम और मॉल पर लगी पाबंदियों को भी अब हटा दिया है। प्रदेश में नर्स हड़ताल जो हो रही थी उस पर मंत्री सारंग ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। कुछ सेगमेंट छूटे थे वो भी आज से शुरू हो रहे हैं, जैसे मॉल, जिम, अब रेस्टोरेंट में भी आधी कैपेसिटी पर डाइनिंग बिठाकर भी भोजन कराने की छूट दी गई है। मुझे लगता है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, वो उनसे बात कर रहे हैं और व्यवस्था स्थितियाँ सब ठीक होंगी, कोई आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को जन जागरण करने के लिए निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, अधिकारी भी निकलेंगे, सभी विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि निकलेंगे, बल्कि हम समाज के वो विशिष्ट लोग जो कि समाज में जिनकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, उनको भी इस अभियान से जोड़ेंगे। मैंने कल कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने तो मध्य प्रदेश में रोजगार दिया है, हमारी सरकार को उठाकर देखिए, सरकारी नौकरी में रोजगार हो या स्वरोजगार हो, हमने रोजगार दिया। ये अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को लाके खड़ा कर दो जिसको कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला हो।